तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AS क्लासेस में। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। और भैया जी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखो कुछ क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आपको भले ही बढ़ा दिया गया हो क्योंकि ये कि रियल लाइफ इंसिडेंट से क्या करा गया है, इसको थोड़ा थोड़ा मैच करा गया है। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, क्या आंसर भी इतना बड़ा होगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ मैं बताऊँ वो लिखने की जरूरत नहीं है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से इन चीज़ों को देख सकते। तो क्वेश्चन अपने पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्या है, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ फील्ड, कोई भी एक फील्ड है, खेत मान लो, उसमें क्या है, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल क्या है, एक रास्ता है। सोनिया कोई लड़की है, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। अगर मैं उस खेत के जो उसका जो गोलाकार जो खेत है उसका मैं सोनिया जो है वो ड्राइव करके 18 मिनट में उसको पूरा कंप्लीट कर लेती है एक राउंड, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और उसी राउंड में उसी फील्ड में वो रवि जो है वो 12 मिनट क्या करता है, लेता है, मतलब कि वो थोड़ा हैवी ड्राइवर है ना, इसलिए वो जल्दी ले लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एकदम सेम पॉइंट पे स्टार्ट करा एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, उन्होंने सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करा। आफ्टर हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था वो कितने देर बाद वहाँ पे मिलेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। देखो सबसे पहले वहाँ पे क्या दिया गया है, एक सर्कुलर पाथ दिया गया है ना, तो इस सर्कुलर पाथ को मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। आपको मैं पहले देखो थोड़ी सी गिवन दे देता हूँ। जो गिवन अपने पास, सोनिया टेक्स टाइम, सोनिया कितना टाइम देती है, 18 मिनट, रवि टेक टाइम 12 मिनट, मीटिंग टाइम। अब हमें मीटिंग टाइम निकालना है, तो हम देखो जब भी हम ये मीट टाइम निकालेंगे, क्या जब भी हम मीट टाइम निकालते हैं, तो आपने कई बार टीचर ने ये बताया होगा कि एलसीएम क्या होता है, कि दो नंबर कहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है। एलसीएम ये होता है कि दो नंबर कहाँ पे एक जगह मीट करेंगे, तो वहाँ पे तो मीट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमें क्या करवाना है, मीट करवाना है। किस किस को, सोनिया और रवि को मीट करवाना है, मतलब कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सोनिया भी यहाँ से स्टार्ट करेगी, रवि भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कि वो इसी पॉइंट पे, यहाँ सुनो, वो इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, इस पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो देखते हैं। तो देखो हमने क्या बताया कि हमें उसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम देखो 18 के फैक्टर करो, तो 18 टू 9 जा फिर 3 से कटेगा भी है, 2 से तो कटना नहीं है, तो 3 जा उधर 3 और 3 1 जा 3। ये तो हमने सिखाया हुआ आपको जब आपके नितिन सर ने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, जब हमने ये सिखाया था आपको नितिन सर ने। तो 12 के फैक्टर करते हैं, तो 2 6 2 3 3, तो 18 के फैक्टर अपने पास आए कि 2 × 3 × 3। अब ध्यान से सुनो, हम इसको 2 × 3 × 3 को कैसे लिख सकते हैं, और 2 × 3 स्क्वायर, जी हाँ। देखो यहाँ पे 3 × 3 दो बार है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं 12, देखो 12 में है, 12 के फैक्टर क्या हो, 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3, तो और अब देखो 2 भी यहाँ पे दो बार है, मतलब कि 2 स्क्वायर × 3, मतलब कि 2 की पावर यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे 2 की पावर मैंने 2 लिखी। अब हम क्या करते हैं, तो एलसीएम क्या होता है, हम क्या करते हैं, दोनों की हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, तो 2 की हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ 2, देखो यहाँ पे 2 की क्यों लिखी मैंने, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स में दो अपने पास नंबर थे, दोनों के फैक्टर में अपने पास सिर्फ नंबर सारे 2 और 3, तो देखते हैं इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी। तो हाईएस्ट पावर, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 2 की पावर 2, मतलब कि इसकी पावर क्या है, 2 रेज टू पावर 2, और हाईएस्ट पावर ऑफ 3 इज 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 2, और 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे हम दोनों की हाईएस्ट पावर लेके उन दोनों क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सो 2 की पावर 2 इज 4 एंड 3 की पावर 2 इज 9। मल्टीप्लाई का साइन बीच में, तो 4 इंटू 9 इज 4 9 36। मतलब क्या हुआ, जो अपना आंसर जो होगा वो होगा 36 मिनट। मतलब कि वह 36 मिनट बाद जो ये वाला जो पॉइंट है ना, कौन सा वाला, एक बार, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट पे वह क्या करेंगे, मीट, देखो ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट पे वह क्या कर देंगे, मीट कर देंगे, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वह कब मीट करेंगे, 36 मिनट बाद मीट करेंगे। तो मुझे मन से कहते हुए अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हम 1.2 एक्सरसाइज भी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एक नई एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे, नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, उसके लिए पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो आएगी उसके लिए। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।